जी जी मैं पाकिस्तान की सियासत को समझना चाहती हूँ। सियासत सीखना चाहती है? हाँ। ओहो, क्या करेगी सियासत सीख के? मैं मुल्क की खिदमत करूँगी। तुझे खिदमत करनी आती है? नहीं। खिदमत करनी नहीं आती? नहीं। ले तू तो बनी बनाई सियासतदान है। वो कैसे? वो ऐसे कि जो काम तुझे करना नहीं आता तू वो करने का अज़्म रखती है। ये बताओ जमहूरियत अच्छी होती है कि माशाल्लाह? देखो जी, जो बड़े बड़े सियाने हैं ना उनके मुताबिक बदतरीन माशाल्लाह भी जो होता है ना वो बेहतरीन जमहूरियत से अच्छा होता है। ये जुमला कुछ गलत नहीं हो गया? कोई आहो पुट्ठा हो गया, सॉरी यार। मुझे नहीं पता, मुझे सियासत सिखाए। अब सियासत क्या करेगी तू सीख के, अभी उल्टा सीधा काम है। सियासत अगर तूने यार, तो मेरी बीवी है, मुझे प्यारी भी है और मैं जरा थले भी लगा हुआ हूँ। क्या तुझे मैं सिखा देता हूँ सियासत? सियासत में ना कुछ चीजों का बहुत खास ख्याल रखना होता है और उसके बाद खुल के टपना होता है। जानू, हाँ, ये लीडर करप्शन कैसे करते हैं? ओए खबरदार, तो मेरे लीडरों पे इल्जाम लगाया। हाँ, पाकिस्तान का कोई लीडर करप्शन नहीं करता। जिस मुल्क के लीडर करप्ट हो जाए वो मुल्क बर्बाद हो जाता है। ये क्या कह रहे हो आप? ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरे दादा बू कहा करते थे। राजा जानी, हाँ, मैं सोच रही हूँ कि अगर मुझे सियासत करनी है तो मुझे वोट लेने पड़ेंगे। हाँ, वोट तो तुझे लेने पड़ेंगे, बिल्कुल। अगर तूने वोट ना लिए तो तू वजीर आज़म बन जाएगी। मेरा मतलब है कि तू इलेक्शन जीत जाएगी। अच्छा ये बताओ, लीडर को वोट किस बेस पर मिलते हैं? देखिए भाई, आम तौर पे तो लीडर को वोट मिलना चाहिए मेरिट पे। हाँ। लेकिन हमारे मुल्क चूंकि पाकिस्तान है तो यहाँ पर गेम बेस पे भी मिल जाता है। राजा जानू, पॉलिटिशियन बनने के लिए मुझे अच्छे ड्रेसेस लेने होंगे। अब जींस पहन के तो नहीं ना लोगों के घर जाऊंगी? वोट दे दो, वोट दे दो। हाँ ये बात तो ठीक है, अगर तू जींस पहन के वोट लेने जाएगी तो लोग तुझे वोट तो नहीं देंगे, तुझे अपना नंबर दे देंगे बस। नहीं, अब मैंने सोचा कि मैं तेरी ना ज्यादा सारी शॉपिंग करवाऊंगी पैसों की। आपसे पैसे लेकर ना ज्यादा सारी शॉपिंग करूंगी, दुपट्टे, शलवार कमीज, कुर्ते लूंगी। और बेनजीर भुट्टो जैसे दुपट्टा लेती थी ना, वैसी बड़ी सी शॉल लेकर लोगों के आगे तकरीर करूंगी। हाय 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 हाय, ये सारी चीजें तू सियासत के लिए लेगी? बिल्कुल, ते मास्कर तेरा पा लेगा। जान जी, हाँ, यार वो तूने मेरे कपड़े इस्त्री कर दिए? बिल्कुल नहीं किए। बिल्कुल नहीं किए? नहीं। मैंने भी तेरे नहीं किए। चल फिर, ऐसे तो फिर ऐसे ही सही। अब जो दूसरी बीवी आ रही है ना, उससे करवाने हैं आपने कपड़े, प्रेस, खाना बनवाना और मेरी खिदमत लाजमी। वो मेरी ऐसी बीवी है, यकीन कर, वो जब ट्रायल पे थी ना, प्रोग्रेशन पीरियड पे बीवी होने के, तो मैंने उसको कहा जानू मेरे कपड़े इस्त्री कर दो, तो उसने नहीं किए, तो मैंने कपड़े बगैर इस्त्री के पहन लिए। वो आई, उसने मेरे कपड़े पहने हुए ऊपर इस्त्री कर दिए। तो फिर मैं उससे अपना काम नहीं लूंगी। उस दिन से तो मैं 12 ट्यूबें अपनी कमर पे लगा चुका हूँ। राजा जानू, ये बताओ आपको वो मिली कहाँ से? मुझे वो मुझे मिली नहीं, उसको हम दूध डाल देते थे, खुद ही आ जाती थी। पता नहीं कभी किसी घर में होती थी, कभी किसी के घर में होती थी, तो वो उसको अच्छा लग गया, वो हमारे पास अब फिक्स हो गई है। मैंने सुना उसका भाई ना बहुत अमीर है, अमेरिका में है। तूने ताड़ लिया? लांटी किरदार, किसे पैसे वाले बंदे को आंखें ना जाने दें। अच्छा ना, अब अमेरिका से डॉलर आएंगे? हाँ, अमेरिका से डॉलर आएंगे। तूने सियासत करनी है, तू डॉलर लाने का ना सोच, तू डॉलर यहाँ से ले जाने का सोच। मॉडल गर्ल बन, एक ब्रीफकेस तू ले गई पाकिस्तान से बाहर, इससे बड़ी तू जमहूरियत की खिदमत कर ही नहीं सकती। तौबा तौबा तौबा, क्या हालात चल रहे हैं रानी। लेकिन मुश्किल किस घड़ी में हमारे सीनियर पॉलिटिशियंस को क्या करना चाहिए? तौबा। जान जी, जी जी जी, अगर आप मुझे सियासत सिखा देना तो मैं एक साल के अंदर अंदर वाह लोगों के काम कर देगी। नहीं, सड़कें बना देगी। नहीं, मोटर के बना देगी। ओफो, मैं एक साल के अंदर 1000 वादे करूंगी।
हाँ जी। इतना दिल कर रहा है आइसक्रीम खाने को। जब तेरा दिल करता है तो मेरी जेब में फटका मारती जाके, मर जा कहीं जाके। आइसक्रीम सर्दियों में आइसक्रीम खा के मरना है तुम्हे? सर्दियों में आइसक्रीम ना खाया कर, कौन खाया कर। एक चीज का तूने बहुत खास ख्याल रखना है। क्या? तूने मोहल्ले का कोई जनाजा मिस नहीं करना। जिधर बंदा फौत होने की तरह आए तू ठक करके टाइम पे पहुंच जा, लोगों से मिल जुल वहां पर, अगे अगे होके तू मोटा देना। ठीक है। पता लगे ताकि तू वहां पर आई भी है। और कोशिश कर फौत की जब मुर्दे को दफना देते हैं उसके बाद में जो ऐलान नहीं होता, हजरात कल सुबह 10 बजे कुल अदा किए जाएंगे, ये ऐलान तू करे, सब तेरी तरफ देखेंगे। ये पहला फार्मूला है सियासतदान बनने का। नंबर टू सुन ले अब। हाँ। नंबर टू, तूने शादी कोई मिस नहीं करनी। ठीक हो गया। तुझे कोई बुलाए ना बुलाए, धक्के मार के निकाल दे, कोई टेंशन नहीं लेनी। बेशरम हो गए तसु, समझिए तसु, तूने शादी में घुस जाना सीधा। ठीक है। मोटा सा लफाफा, उसको सलामी देना है, फोटो बनानी है, मूवी उतरवानी है जी, लोगों को नजर आना है। देख बाबू, 500-400 बंदों का फंक्शन होता है, वो तुझे लोग स्टेज पे देखेंगे तो तेरी सियासत ही बनेगी ना। और अब तीसरी चीज ये है, थाने के साथ तेरा यूं रहा होना चाहिए। यस, थाने तेरा ऐसे आना जाना होना चाहिए जैसे जुलाब का मरीज लैट्रिन आता जाता है। कभी भी तेरे पास कोई लड़ाई आए, तेरी पंचायत लगी हो, तूने वो लड़ाई छोटे में काम नहीं करवानी, पहले लड़ाई को बड़ा करवाना है, फिर सुलह करवानी है। लेकिन जानू, इस तरह तो मैं थक जाऊंगी काम काज करके। हाँ। तो कोई बात नहीं, काम छोड़ दे। कब? जब मिनिस्टर बन जाएगी। राजा जानू, अगर मैं हल्के में नहीं जाऊंगी, लोगों से मिलो जुलूंगी नहीं, तो फिर तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। अबे रानी, तू कैसी बातें करती है, ये सियासत नहीं आसान, बस इतना समझ लो के एक बिस्ती का दरिया है और तैर के जाना है। राजा जानू, हाँ? ये सियासत मर्दों को ज्यादा सूट करती है कि औरतों को? गंजों को। जानू, आपने देखे मेरा इतना साथ दिया, हर जगह साथ दिया। बिल्कुल, बस आपने मेरा सियासत में भी साथ देने। ले रानी, तू क्या सोच रही है, मैंने तो तेरी खातिर तहैया कर दी है कि अब मैं सियासत ही करूंगा तेरे लिए। बिल्कुल सच के जाऊं। मेरे वैसे तेरे साथ मिलके ना सियासत करने की एक और वजह भी है। क्या? वो ये है कि जो मियां बीवी दोनों मिलके सियासत कर रहे होते हैं ना, उनमें से बीवी का पहले मरने का चांस ज्यादा होता है। जानू, सियासत अपने लिए करनी चाहिए, अवाम के लिए या हल्के के लिए? तीनों के लिए नहीं करनी चाहिए। हाँ, सियासत करनी चाहिए पैसे के लिए, थबन टूज के लिए, नो टूज के लिए। मैंने तो लोगों से सुना है सियासत को इबादत समझकर करना चाहिए। वैसे हमारे लीडर तो इबादत समझ के करते हैं, पूछ कैसे। हाँ, कैसे? ये अवाम नु रोदे रखवाते ने भूख नल। तुझे पता ही नहीं है तुझे कहाँ कहाँ पे चांस मिलना है रानी। हाँ? सोची भी ना, यकीन कर, दुनिया के हर कामयाब मर्द के पीछे जिस तरह एक औरत का हाथ होता है ना, इसी तरह पाकिस्तान के हर पॉलिटिशियन की बर्बादी के पीछे तेरा हाथ होगा। ना ना, ऐसी बातें ना करें, अभी तो आपने बोला हर कामयाब मर्द के पीछे एक कामयाब औरत का हाथ होता है। अबे ये भी बकवास बोली मैंने, औरत तो हाथ ही कामयाब आदमी को डालती है। ये भी बात सही है कि जो मर्द कामयाब होता है औरत उसी के साथ होती है, लेकिन जो नकम्मा होता है आप जैसा, तो उसके पीछे भी तो मेरा ही हाथ है ना। जान जी। हाँ? ये बताएं, अगर सियासतदान का झूठ पकड़ा जाए तो क्या होगा? समझ ले के वो दिन उसकी सियासी जिंदगी का पहला दिन यानी कि बर्थडे होगा। जो सियासत करते हैं वो बुरे हो जाते हैं? सारे तो बुरे नहीं होते ना। हाँ। बीच में अच्छे भी होते हैं, अच्छे बुरे मिक्स होते हैं, मसलन जैसे हम दोनों सियासत कर रहे हैं, अच्छा और बुरा मिक्स हो गया ना। ज्यादातर बुरे होते हैं।
अच्छे भी होते हैं। फिर हमें ना अच्छे लोगों के साथ मिलकर सियासत करनी चाहिए। हाँ, वैसे अच्छे लोगों के साथ सियासत करनी नहीं चाहिए, अच्छे लोगों के साथ ना सीधा सीधा ताल्लुक रखना चाहिए। क्यों? सियासत जो है ना हमेशा अच्छे लोगों के अंदर रह के करनी चाहिए। पूछ क्यों? क्यों बेईमानी करनी था।